भाई बाइक हो गई साफ, हम चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? साउथ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं साउथ एक्स। आज वो दूसरा दिन है जिसका इंतजार हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं। सेंटा क्लॉज मिल के जा रहे हैं। अपना हेलमेट चाहिए रहा, दोनों ग्लव्स हैं, फोन हमने माउंट कर लिया है, उसके अंदर माउंट करने की जरूरत नहीं है। अभी चल के देखते हैं, गोप्रो भी लगाएंगे आज। ये आ गई है क्लासिक बुलेट, पुरानी वाली स्टैंडर्ड, और ये है अपनी इलेक्ट्रा टाइप्स सिलेक्सी हमारी वाली। तो अंदर तो पुरानी है क्लासिक। एक ये है ग्रीन कलर और एक ये है ब्लैक। तो देखते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ, ये नई वाली क्लासिक। 2:00 हो रहे हैं, 10 मिनट हम चले थे आधे घंटे पहले घर से, 15-20 मिनट लगे, थोड़ा जाम था, क्रिसमस है, उस चक्कर में भी ज़्यादा जाम है। आज हम आए रॉयल फील्ड के शोरूम, अभी हम घर से चले हैं साकेत का जो कंपनी शोरूम है वहाँ पर आए हैं। अपनी 7 नवंबर को हमने हिमालयन 450 बुक कर दी थी, बहुत जल्दी इन्होंने दे दिया। वैसे तो जनवरी की डेट दी थी 22-25 के आसपास, लेकिन मुझे 2 दिन पहले कंपनी स्टोर से फ़ोन आया कि आपकी बाइक रेडी है, सो आई एम हियर फॉर मेकिंग अ पेमेंट। लेट्स सी हमारी वाली कैसे दिखती है। उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम करेंगे अपनी क्या टेस्ट राइड, देखते हैं। भाई ये है हमारी बाइक, मतलब ये नहीं है पर ये खड़ी है, कुछ इसी तरीके की होने वाली है। ऐसा है दोस्तों, और 3-4 दिन की बात है, आज हो जाए सारी फॉर्मेलिटीज़। कुछ नंबर्स की भी चॉइस के ऑप्शंस हैं, कुछ पेमेंट देनी पड़ती है, देखते हैं अगर हम वो चॉइस लवाने नंबर लेते हैं कि नहीं लेते हैं। फिलहाल अभी फॉर्मेलिटी करते हैं पूरी। ये पूरा राउंड नहीं है, ओवल शेप है थोड़ा सा। भाई टेस्ट राइड लेने के लिए डिक्लेरेशन ले लिया है, मरो जलो जो मर्जी करो, सारे खर्चे तुम्हारे हैं। ये है काजा ब्राउन, वैसे तो ये भी ठीक लग रही है, है? ब्लैक ठीक है। अब यहाँ से देखो कितनी बड़ी लगती है यार। You can climb onto it like this. टेस्ट ट्राई लेने जा रहे हैं हम लोग काजा ब्राउन के ऊपर। मैं पहली बार चलाऊंगा, देख के पता लगेगा कि यार ये कैसा है और कैसा नहीं है। चलाने के बाद देखते हैं इसकी क्या फीलिंग है, क्या एहसास है। फिलहाल अभी चलते हैं और देखते हैं। टेस्ट ट्राई तो है यहाँ पर। ओ साउंड देखिए भाई, भाई साहब आ गए हम लोग अपनी बाइक के ऊपर। और कितनी बड़ी बाइक लग रही है ये, और इसका यार कितना सही, इसका स्मूथ है, कमाल। चलो चलाते हैं। ओ मैन, ओ हो, वाह बेबी वाह, मजा ही आ गया, बहुत ही बेहतरीन। अरे भाई ये लो भाई साहब, मतलब कमाल हो गया इसमें तो। ये एकदम से जाती है, मतलब मैं पीछे हो जाती हूँ। वो तो मैं तेज कर रहा हूँ अभी, पर कोई नहीं भाई, दिल खुश हो गया यार इसको तो बाइक को चला के। अरे कसम से, मतलब कोई नहीं, बाहर चलते हैं थोड़ा साकेत के पीछे की तरफ, रेड लाइट है, जाम नहीं है। ओ हो, कमाल है यार, मतलब मज़ा ही आ गया, क्या धांसू चीज़ है भाई साहब। अभी बाहर निकलते हैं, चलो। हिमालयन इन ट्रैफिक, हिमालयन 450 यार, चलाने में काफ़ी मतलब डिफरेंट। ये हमारी ड्रीम कार, चलाने में थोड़ा सा डिफरेंस है इसको, BMW भाई क्या बड़ा यार कंसोल है इसके अंदर, सही है भाई। ये है ट्रैफिक में इसका, ओ भाई, मतलब 50-60 में तो ऐसे हो जाती है ये, जैसे कि मतलब क्या बताएं, पता ही नहीं लगा, मतलब 50 की स्पीड पे ऐसी चली गई यार। ओहो भाई 50-60 की स्पीड तो मतलब
ऐसे ऐसे बच्चों का खेल, मतलब बहुत अच्छी लग रही है यार मुझे ये चलाने में, काफ़ी सही चीज़ें लग रही है इसकी। एक तो ये है कि इसके 2500 RPM से ऊपर अगर इसको लेके जाओ रेव करो ना, तो उसके अंदर वो पावर डिलीवर होती है ऐसे, मतलब रॉकेट ब्लास्ट कर दिया हो। लेकिन फीलिंग इसके ऊपर बैठने वाली ऐसी आ रही है कि मतलब लॉन्ग टूरिंग अगर आपको करनी हो उस बाइक के ऊपर, तो इतनी बेहतरीन लगने वाली है क्योंकि पावर इसके अंदर इतनी सही है। शहरों में हो सकता है थोड़ा चलाने के लिए पहले इसको आपको इसके हिसाब से ढलना पड़ेगा, थोड़ा कस्टम होना पड़ेगा, क्योंकि ये हाई रेव इंजन है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड हिमालयन, से थोड़ा सा डिफरेंट है ये। तो देखते हैं बाहर रोड पर निकल के थोड़ा सा कि कितना रेव होती है, हाउ रेवी इंजन इट इज़, लेट्स सी इन द ट्रैफिक ही अभी तो फिलहाल। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे बहुत अच्छे से भगा सकता हूँ उसको, लेकिन नई नई बाइक है, भगाना नहीं चाह रहा अभी। ओह कमाल जबराट भाई साहब, अरे गजब है, मतलब यार ये वाकई में हंसी निकल जाती है यार इस तरह की बाइक पे बैठने के बाद। पर यार ये हंसी सारी खराब कर दी इसने यार, जाम ने पूरा ट्रैफिक ही है तो सारा। भाई दो तीन बार अभी ट्रैफिक में ये मुझसे स्टॉल हो गई है, मतलब अभी इसके रेव रेंज के बारे में हमें पता नहीं है ज़्यादा, इसको ठीक से चलाने की आदत हमें हुई नहीं है, तो दो बार बंद हो चुकी है मुझसे ये, एक बार सेकेंड गियर पर, एक बार थर्ड गियर पर, क्योंकि हमें आदत है बॉटम एंड से बाइक उठा के चलाने की, यानी कि ज़्यादा उसका रेस ना दे करके आप नॉर्मली उसको चला रहे हो। हालांकि बस थोड़ा सा ही हल्का सा हाफ रेव करने में भी ये सही हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा एक बार ये ज़रूर देखना पड़ता है कि हाँ क्या है क्या नहीं है। ओहो पर भाई बाकी जो चीज़ें इसके अंदर हैं, अगर आप हाईवे पे जाना चाहो, लंबा लॉन्ग राइड करनी चाहो, और प्लस इसके जो सस्पेंशन हैं वो आपको मतलब एक इस तरीके की फील देते हैं। सस्पेंशन तो नो डाउट बहुत अच्छे हैं इसके, पता ही नहीं लगा यार, मतलब छतरपुर एरिया भाई फुल ऑन मंदिर मंदिर चल रहा है। तो आज है क्रिसमस, हम बैक टू बाइक, हैंडलिंग पोजिशन काफ़ी ठीक है, और इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो भी अच्छा लग रहा है काफ़ी। और जहाँ पर अभी ये बाइक है 2000 RPM से ऊपर, इसके ऊपर चलती है तो सब कुछ सही है, क्योंकि यहाँ थर्ड गियर पे ये 33 पे चल सकती है, 30 पे आराम से बहुत इजीली चल सकती है। पर खतरनाक जाम है भाई, आ जाता है इसमें। वाह जब चलाते हैं ना, मतलब ये देखो इस समय बहुत बढ़िया चल रही है बाइक, ये इस समय इसमें बहुत जोर है, ब्रेक भी काफ़ी अच्छी है इसकी। नहीं प्रॉब्लम बाइक में नहीं है कोई भी, मुझे तो बाइक अच्छी लग रही है ये, और काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब सही है। राइट साइड में इसमें थोड़ी सी हीट आती है पैर के पास, अगर आप ट्रैफिक में हो बम्पर टू बम्पर और 10 मिनट से चलने लगो तो थोड़ी सी इसमें हीट फील होती है। और फर्स्ट गियर में भी अगर आप ट्रैफिक में हो ना और आपको थोड़ा सा पिक करनी है बाइक, तो पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉल हो सकती है, क्योंकि इसको थोड़ा सा रेव करना पड़ता है, क्योंकि बिना रेव किए इसको चलाने का मज़ा नहीं है। ये देखो बहुत ही बेहतरीन, अच्छी चल रही है, मतलब पावर अच्छी है, बहुत अच्छा सस्पेंशन है, कंट्रोलिंग कमांडिंग पोजीशन है इसकी, मज़ा आ जाता है यार, सही है। अब इस ट्रैफिक में यार कहीं भगाने का मौका तो है नहीं, फोर्थ गियर पे 40 की स्पीड पे है, फंक्शन वंक्शन देखेंगे यार आराम से रोक के, यार अभी ट्रैफिक में बस थोड़ा चला के इसका प्रैक्टिकल फील ले रहे हैं। मोड चेंज डिनाइड, तो शायद बाइक रोकने के बाद ही ये मोड चेंज करने देता होगा, उससे पहले नहीं कर रहा है। मैं अभी 6th गियर पे पहुंच नहीं पाया हूँ बाइक के अंदर, क्योंकि आज जाम ही इतना लग रहा है। भगा सकते हैं पर मैं भगाना चाहता नहीं हूँ अभी, आप इसको रेव करोगे तो अच्छी लगेगी। थोड़ा सा ट्रैफिक में इश्यूज होते हैं, जैसे फिर से ट्रैफिक आ गया यहाँ पर। ब्रेकिंग पावर, ब्रेकिंग पावर क्या खतरनाक है भाई। इसका DNA पूरा चेंज हो गया यार बाइक का। अब इसको आप इतनी तेजी से चलाओ तो ऐसे भागती है कि जैसे मतलब पता नहीं, मतलब टोटली डिफरेंट बाइक हो गई अभी ये।
चलो थोड़ा सा चला के समझ आएगा भाई। आधे घंटे के लिए निकले थे पर आधे घंटे में तो हम साला ट्रैफिक में फंसे रह गए। कोई बात नहीं। ओए होए बाइक मतलब नेक्स्ट लेवल ब्रेकिंग है इसकी भी। तो चला के तो पता लगा, थोड़ा सा फील हुआ, एहसास हुआ ये कैसी है, वरना तो हम बस देख ही रहे थे। चला लो भाई थोड़ी सी ऑफ रोड आ जाओ भाई। वाह पता ही नहीं लगा भाई कच्चे कुच्चे में तो इसका। अब सारे इस पे जितने भी कर्म है वो हम अपनी खुद की बाइक पे करेंगे। अरे वाह जितने भी खड्डे हैं बड़े आराम से इसने बम्पी रोड सब एडजस्ट कर लिए हैं। एडजस्ट ग्लाइड हो सभी जगहों पर। इतनी पॉपुलेशन हो चुकी है, वहाँ से सीधा रोड आया था पर कोई बात नहीं हम आ गए इधर। फाइनली 1500 किलोमीटर का जाम पार करके हम यहाँ आ ही गए शोरूम के। भाई साहब खतरनाक जाम भाई। चलाए हम आधे घंटे की टेस्ट राइड लिए। राइट साइड में आपको ट्रैफिक में थोड़ी सी हीट महसूस होगी क्योंकि वो हीट हाई रेविंग इंजन इस वजह से आती है। नेग्लिजिबल तो नहीं है पर ये कि हाँ बेरेबल है, गर्मी में शायद प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज का सस्पेंशन, आगे के सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, पीछे वाले भी बहुत अच्छे हैं, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी फंक्शनिंग एक नंबर है। मुझे बस थोड़ा सा ना इसका जो पिकअप पावर जो है वो थोड़ा सा इसका कैरेक्टरिस्टिक या DNA जो कह सकते हैं इसको पुरानी हिमालयन से डिफरेंट है। पुरानी बुलेट कह लो या हिमालयन कह लो उसके अंदर लो एंड टॉर्क कितना है कि आप लो ड्राइविंग इंजन के ऊपर आप उसको अगर पिकअप उठाएंगे तो बहुत अच्छे से पिकअप करती है। फॉर एग्जांपल आप अगर ऊपर जा रहे हैं पहाड़ों के ऊपर, वहाँ पर आप पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए आपको स्लो रैप पे अगर चढ़ाना है तो वो पावर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। वो बुलेट में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद जो पुरानी वाली हिमालयन है उसके अंदर भी अच्छा है, इस वाली के अंदर टोटली डिफरेंट है। अगर आप यहाँ पे 3000 RPM पे लेके जाएंगे तो चाहे आपके पास कितना ही लोड हो और कितनी चढ़ाई हो ये बाइक सब जगह चढ़ जाएगी। उस RPM तक पहुँचने की रिक्वायरमेंट है इस बाइक की, उससे नीचे थोड़ा टाइम लगता है इसको पिकअप करने में। अगर आप सिंगल चला रहे हैं तो ठीक है, 3-4 पैनियर सामान बैग प्लस पिलियन के लेके साथ अगर आप चल रहे हैं तो थोड़ा सा हाई टेरेन पे चलने में इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल बाइक हमने कर ली है टेस्ट राइड, अंदर चलते हैं, थोड़ा मन बनाते हैं, थोड़ा मन शेकी शेकी हो रहा है, क्या करें फिर देखें। भाई साहब मतलब इतनी भीड़ है आज। टेस्ट राइड तो हो गई लेकिन बाइक से ज़्यादा हम लोग टेस्ट हो गए हैं ट्रैफिक के अंदर। मैं 10 मिनट के लिए सोचा था चले जाएंगे बट इट टुक अस ऑलमोस्ट 1 आवर, कहीं भी कुछ चलाने का मौका मिला नहीं। पर कोई नहीं, फाइनली वी आर बैक। थोड़ा से मन में कुछ संशय हैं, एक बार चेक करते हैं कि क्या करते हैं, व्हाट आर द डाउट्स, लेट्स सी। हैं अर्शद तुम बताओ यार लेनी चाहिए मुझे सर, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस? मतलब बाकी सारी रॉयल एनफील्ड की जो बाइक्स हैं उसका जो बेसिक DNA है वो पिकअप बहुत लो एंड टॉक जो होता है बहुत अच्छा था, इसमें टोटली डिफरेंट है। आपको क्या फील हुआ? मतलब जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं थर्ड पे भी अगर बुलेट पे जाऊँ ना तो नॉर्मल ट्रैफिक के अंदर बम्पर ये पिक कर लेती है, उसके लिए मुझे फर्स्ट गियर का। हाँ रीजन ये है सर, इसमें आपको तो जो BHP है वो ज्यादा मिल रहा है। हाँ ऑब्वियसली बात है वो ये 100 तक नहीं जा सकती है बट वो 160 तक जा सकती है। So this is difference. शहर में चलाने के लिए थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम, कहीं भी चलने की जगह नहीं है। गजब। ओह भाई साहब अगर भगदड़ मच गई ना तो बंदे बहुत मरेंगे। ओह भाई साहब भीड़ देख रहे हो कितनी आज, सब लोग घर से बाहर आ गए भाई। ट्रैफिक में आधा घंटा फंसने के बाद पूरी टेस्ट राइड हमने ली, थोड़ा सा मुझे लो एंड टॉक में थोड़ा सा शक हुआ तो वहाँ से निकल के आ गए हैं। हम आ गए हैं सिलेक्टिविटी वॉक के अंदर और इतनी भीड़ है यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि देखो पूरा कोई रूम के अंदर एमपी थिएटर लगा हो, यहाँ पर अभी फाइट होने वाली है, सब लोग गाँव द्वार से निकल के आ गए हैं। मज़ा देखिए यार, कुछ खाते हैं यार, आराम करते हैं, थोड़ा सा चिल करते हैं। नेक्स्ट संडे जाएंगे हम लोग, सैटरडे या संडे के आसपास एक बार फिर से टेस्ट राइड लेंगे, फिर दोबारा दिमाग लगाएंगे, फिर देखते हैं। हाँ जी और आओगे मॉल भीड़ देख रही हो, रेनबो ब्लस भीड़ देखो यार। ये देखिए भाई साहब आगे आपका क्रिसमस ट्री, नीचे से लेके ऊपर तक बेहतरीन बनाया।
सारे पौधे हैं। ये तुम्हारा ये वही वेलवेट वाला है, ये रहा ये वो बहुत बड़ा हुआ। कौन सा प्लांट? इनके अपनी नर्सरी। ये वाले प्लांट हैं, देखो वो भाई इतनी खतरनाक भीड़ है। ऊपर कैफेटेरिया जहाँ पर फूड कोर्ट है, बैठने की जगह ही नहीं मिली, हम उतर गया नीचे। बाहर कुछ निरुलास दिख रहा है और सामने वहाँ मोमोज है, वहाँ चलते हैं कुछ खाते हैं। भाई यही मिल रहा है इस समय तो, बड़ी देर बाद बर्गर ले लिए, दो मोमोज ले लिए, यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, बड़ी देर बाद बैठने की जगह मिली है। हाँ हाँ वो सामने ऊपर मुझे चाने लाइट के साथ। भाई शाम के टाइम यहाँ पर इतना क्राउड है, इतना क्राउड है, मोमो हमने खाने हैं। यहाँ से निकलते हैं, बाइक उठाते हैं, फिर चलते हैं घर से, देखते हैं शाम को क्या बनाते हैं। हाँ इतने सारे अकेले खा लिए, ज़्यादा खा लिए, डर गया, अब हम करें आराम, चील मारे। मोमोज अच्छे थे, थोड़े से जो स्टीम थे वो कच्चे थे, हमने भी फ्राई करा लिए। एक पनीर, एक वेज, एक बर्गर, एक कोल्ड ड्रिंक, थोड़ा चिल मारे। बज रहे शाम के 6, यहाँ से भी निकलेंगे तो देखते हैं। एक जगह और है निरुलास पे, वहाँ क्या मिलता है, कुछ वहाँ भी एक्सप्लोर करके आते हैं फिर निकलेंगे। ये खड़ी है भाई अपनी ज़बरदस्त बाइक। भाई पहुँच गए घर, साकेत सेलेक्ट सिटी वॉक, पूरा मॉल घूमा, 2-3 बार घूमा, कुछ स्नैक्स वैक्स खाए वहाँ पर। उससे पहले आरी के शोरूम पहुँचे, काफ़ी देर वहाँ पर पहले टाइम स्पेंड किया, फिर पूरे जाम में जैसा आपने देखा आज, मतलब फुल ऑन क्या बता, टेस्ट राइड ली, पर कोशिश करी कि हो जाए अच्छी टेस्ट राइड, पर वो टेस्ट राइड हो नहीं पाई ठीक से। नेक्स्ट टाइम अभी मन में अभी संशय हो गया थोड़ा सा, अदरवाइज आज हम गए थे फुल पेमेंट वेमेंट करने, सारी सेटलमेंट करने, फॉर्मेलिटीज पूरी कंप्लीट करने, तो आज हमने भी होल्ड पे डाल दिया। नेक्स्ट वीक एक और फिर से टेस्ट राइड लेंगे ताकि थोड़ी सी और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो। आज जो हमने राइड करी उसके हिसाब से ये समझ आया कि इसको थोड़ा सा और टेस्ट राइड करना चाहिए, थोड़े खुले रोड पर करना चाहिए, थोड़ा ऑफ रोडिंग भी टेस्ट करनी चाहिए, ताकि थोड़ा सा इसका पता लगे कि हाँ बाइक के टेक्निकलिटीज़ क्या हैं, थोड़ा मतलब इसको कैसे चलाने का तरीका एक डिफरेंट है। फ़र्क क्या है, पुरानी जो हमारे पास बुलेट है वो बुलेट का लो एंड टॉर्क बहुत ज़्यादा सॉलिड है, लद्दाख में हमने वो फील किया, और उससे भी जो थोड़ा डिफरेंस है क्योंकि ये इंजन डिफरेंट टाइप का है, हाई रेविंग इंजन है। लो एंड टॉर्क 3000 RPM पे आता है तब तो ऐसा लगता है कि बाइक रॉकेट बन जाती है। बाइक में और तो कोई कमी लगी नहीं यार, जितना आज चलाया हमने उसके हिसाब से थोड़ा सा एक मन में डाउट आया, जिसके लिए हमने आज का जो प्लान है वो एक वीक और थोड़ा सस्टेन कर दिया या डिले कर दिया। नेक्स्ट वीक हम फिर से इसकी टेस्ट राइड लेंगे, हो सकता है इस दौरान बीच में भी जो और ऑप्शंस हैं KTM 390 एडवेंचर है इसका भी टेस्ट राइड एक बार ले सकते हैं, पता तो लगे, थोड़ा अंदाज़ा तो हो, डिफरेंस तो पता लगे कि हाँ कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि आज हम पहली दफ़ा ही गए थे, 450 हमने चलाई तो थोड़ा सा उसका इंजन डिफरेंट लगा, पर रश भी इतना ज़्यादा था यार, क्रिसमस का दिन था, मज़ा तो आ सकता था लेकिन जो आज आ नहीं पाया टेस्ट राइड के अंदर। चलिए कोई बात नहीं, आज का दिन दोस्तों अच्छा रहा, और 2-3 बार मैं देख चुका हूँ ये बाइक, आज मैंने बस चलाई है, आज का एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंस है, आप देख रहे होंगे GoPro के अंदर कैसे कैसे बाइक कर रही थी। तो दोस्तों अभी इस व्लॉग का करते हैं यहीं पर ख़त्म, आपको अगले नए व्लॉग में पता लगेगा कि हम बाइक कब परचेज करेंगे, फाइनल कब होगी। हाँ और नंबर भी आप ये भी चूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊँगा अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर।